होते हैं तो बहुतों का होता होगा, पेट में दर्द होती है, नीचे वाली पेट में दर्द, फिर मतलब हाथ पाँव में भी बहुत ज्यादा दर्द है, ये थाई पूरे थक जाते हैं, मैं सोचती हूँ जैसे किसी और के। तो आज के वीडियो में यार 1000 लाइक आ चुके हैं और व्यूज आ चुके हैं। सो पति देव जी के लिए स्पेशल खाना हमेशा बनाती रहती हूँ मैं। तो ध्यान दूर पौन में लगाई होना है, हल्की होनी तो बनी कैसा चितारे भी तो अब डिनर करेगी। वीडियो में अच्छा प्यार बरसा रहे हो, बस ये बरसाते रहना है। थोड़े थोड़े पेट में दर्द हो रही थी, प्रैंक इसको पड़ा भारी। वो फिर वो यहाँ पे आज हम लोगों ने स्विच लगाया भाई, सच बता ने की खीर भी निकाल दी तूने और प्रैंक रैंक सब निकाल दिया तूने मेरा। आज की वीडियो में ना मैंने कहा ये वाला फ्रेम अच्छा लग रहा है और ये वाले मैंने मैक्रोनी धुल दिया, मैक्रोनी और यहाँ पे प्याज एंड हरी मिर्च का कर दिया है, ऑयल रख दिया है, यहाँ पे मखाने का खीर बन रहा है। अब मैं छोटा सा टमाटर काटूंगी बड़ा नहीं। तो इसमें टमाटो डाल दिया, टमाटर डाल दिया और स्वाद अनुसार नमक मिर्च जो डालने सब कुछ डाल दिया मसाले। अब मैं गुड मॉर्निंग कैसे आप लोग, आई होप आज अगर आप लोग मस्त होंगे, मस्त होंगे जी, लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है इसके लिए बच्चों की। क्या बोला, ये मैक्रोनी बन गया सुबह सुबह गाइस, मैक्रोनी की रेसिपी दे दिए मैंने। और ये मखाने की खीर है, थोड़ा सा घी, आज घी का लतपत कर दिया तूने, पड़ी रोला हाथ यूं है, हो समझ गए है नाश्ता हो गया रेडी, सुबह सुबह नाश्ता करेंगे। आज ही नाश्ते में है मैक्रोनी सर के लिए और सर के लिए है मखाने की खीर, थोड़ा सा दूध, वैसे सुबह कॉफी दे दिया था तो दूध मैं ही पी लूंगी ऐसा मैंने सोचा। अब देखो क्या करते हैं, आज के नंबर तेरे फूल है। अच्छा बहुत लोग बोल रहे हैं कि आवाज कम आ रही है करके, यार माइक का करना है, वो दोनों माइक है, दो माइक है मेरे पास, एक वो ट्राइपॉड के साथ वाला। चिरीते मेरे गर्ल चिरी के पापा तू चिल्ला और करते हैं ऐसी एक्टिंग, चिरीते मेरे गर्ल चिरी के पापा तू चिल्ला पा, आवाज का हाल आप तक गजब। देखिए सो पति देव जी के लिए स्पेशल खाना हमेशा बनाती रहती हूँ मैं। दूध तो पिया यार, मैं कितना पीऊँ कि ये घुमा के। हाँ फिर मैं अपने लिए ले आई हूँ, प्लेट में तो खाली दिखावे के लिए रखा था मैंने, वो कॉफी दे दिया था मैंने अपने हस्बैंड को। सो गाइस पति देव जी यहाँ पे ट्राई करने लगे, मेरे सर जी ट्राई करने लगे, तो ये टेस्ट बताएंगे कैसा हो रहा है। और जोरल बुलाया, ठीक है कैसा हो रहा है? मस्त। अच्छा हो रहा है, चटपटा। चिली फ्लैग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो भी डाल दिया इसके ऊपर से अभी, चिली फ्लैग। और ये मैं खाना भी तो टेस्ट करके बता दी एक बार सबको, फिर मैं फोन रख दूँ। अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। सो गुलाब जामुन लेके आए हैं और मेरे हस्बैंड को लेके आज शाम को बनाएंगे। सो आज हम लोग गुलाब जामुन बनाएंगे, अच्छे बनेंगे तो थोड़ा पड़ोसियों को देंगे, नहीं बनेंगे तो हम लोग ऐसे ही खा लेंगे। राजभोग नगदे खाने में आप सभी लोग बहुत बड़े होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं सारा काम करने के बाद और अभी मैं जा रही हूँ दिन का खाना बनाने के लिए। फिर मिलती हूँ आप लोग। हाय गाइज, अभी घर का सारा काम कर दिया मैंने और बहुत ज़्यादा थकान लगी है। आप लोगों को हमारा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना कल का व्लॉग, और बहुत सारे लोगों के कमेंट आ गए, मुझे इतनी हंसी आ रही ना, मेरा मन करा था ना एक बार वीडियो डालू ना डालू करके, बट मैंने फिर भी डाल लिया। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को मेरी कल की वीडियो कैसी लगी, और जिसने कल की वीडियो नहीं देखी है, कल की वीडियो प्रैंक वीडियो है, बेसिकली मैंने अपने हस्बैंड के साथ पहली बार प्रैंक कर रखा है और मुझे खुद ही इतनी घबराहट टाइप में भी हो रही थी,
करो ना करो करके, लेकिन बहुत सारे लोग चाहती थी मैं प्रैंक करूँ, सो मैंने कर दिया है। और मेरे हस्बैंड बेचारे यार सच में बहुत दया आई मुझे उन्हें देख के। और पक्का कल की वीडियो देखना, और जिसे वीडियो अच्छी लगेगी वो लाइक शेयर कमेंट कर। सो गाइज, मेरे उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी आपने ये चश्मा कहाँ से बनाया, आपका चश्मा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हमें भी बनाना है करके। सो ये लेंस वाला चश्मा है, और ये मैंने हल्द्वानी से बनाया था, तिकोनिया से, और जो इसका फ्रेम सेलेक्ट किया था वो मेरे हस्बैंड ने सेलेक्ट किया था। सो बहुत सारे लोग भी बोले थे मुझे मैसेज आने के लिए, आप चश्मा लगा के वीडियो बनाया करो करके। कल की वीडियो थोड़ा नहीं बनाई मैंने चश्मा लगा के, और YouTube पे भी मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश कर रही हूँ, जिसका नहीं दे पा रही हूँ उसका रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है आजकल, तो तभी नहीं दे पा रही। और हमारा ये वाला अलमीरा का जो दूसरा दरवाजा है ना, वो देखिए अभी तक काम नहीं हो रखा है। ऐसा ही हो जाता है, बताया अगर एक काम छोड़ देना तो उस काम को फिर दोबारा करने में टाइम लगता ही है। और कल मैंने अपनी सारी साड़ियाँ वो कर रखी है, क्या कर रखी है ये, सो ये सारी साड़ियाँ मेरी है और ऊपर पे पैक। और मैंने आज अपने हस्बैंड के लिए मखाने की खीर बनाई थी, तो मैंने तो खाया नहीं हो, अभी खा लेती हूँ थोड़ा सा। वो बोले थे घर आके खाऊंगा करके, थोड़ा ही खाया उन्होंने भी क्योंकि बहुत गर्म हुआ था और लेट भी हो रहा था उनको। सो हमारे फ्रिज में चीज़ें तो रहती है लेकिन खाने का टाइम ही नहीं होता पता नहीं क्यों, और बहुत ज़्यादा थका पता नहीं घर में इतना काम क्या होता है मुझे ये समझ में नहीं आता। मतलब थकान लगी जाती है फिर भी घर का कुछ काम नहीं दिखता, मैंने इतना काम कर दिया लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा वो काम। तो फ्रेंड्स फाइनली घर आते हुए मेरे लिए रेडी है लस्सी, ये मीठा ना लस्सी, ये नमकीन। सो गाइज ये मेरा कड़ी चावल, और गैस देखिए कितना क्लीन हो रहा है, कल मेरे हस्बैंड ने बनाया तो इतना गंदा हो रहा था। आखिर घर एक लड़की ही संभालती, एक महिला ही संभालती है। पतिदेव जी कैसा हो रहा है लस्सी, और इसमें चावल रखे हैं, नमक ज़्यादा चल गया पता नहीं, वैसे नहीं हो रखा होगा खुद तो भरोसा मिले। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 5, तो आज हम लंच अभी कर रहे हैं यार शाम के टाइम, कुछ कारण सोना की पेट दर्द हुई थी ना तो उसने खाया नहीं, मैंने भी खाया नहीं, भी सो गए, अभी रेस्ट करके उठे हैं हम, खाते हैं भात। तो शाम को उठने के बाद हमने खाए कढ़ी चावल, कढ़ी चावल बनाए थे हमने, दोपहर में खा नहीं पाए, अभी बज रहे हैं 5 शाम के, आज सोना की तबीयत खराब के कारण। कल तो प्रैंक वीडियो में थोड़ा अच्छा लगा था, दिन में तक भी है या प्रैंक आज खाना बनाने तक भी थोड़े थोड़े पेट में दर्द हो रही थी, प्रैंक इसको पड़ा भारी। वो फिर यहाँ पे आज हम लोगों ने स्विच लगाया भैया आई थी लगाने के लिए, उस टाइम से मेरे पेट में इतनी दर्द, तीन प्रकार की दवाई खा दी मैंने, दो तो दर्द की दवाई थी फिर एक मेरे पेट की दवाई थी वो खाई मैंने। सो मेरे पेट में थोड़ा सा दर्द ठीक है, और यहाँ पे सजा रखे हैं मेरी अच्छे से एडजस्ट करती है, वैसे मैंने भी की थी उन्होंने और अच्छे से करी। इस वाली चीज़ को ना यहाँ पे रखना है फ्रिज को अंदर, आज होल्डर लग गया है, और 7 हॉर्स यहाँ पे लगा दिए है। बहुत लोगों के कमेंट आते ना ऐसे लगाना करके, तो समय आ गया इसका झूला झूलने का आज। कल तो झूली नहीं ना, आधे आधे घंटे तो मतलब एक एक घंटा डेली झुलाना पड़ता है इसको, नहीं तो बच्चा नाराज हो जाएगा ना। कल मैं बड़े वाले कॉम्प्लेक्स से क्या लेके आई, बच्ची नाराज हो जाएगी नहीं था, क्या नाराज, क्या लेके आए कल, क्या लेके आए, फ्राई चिकन, क्या फ्राई चिकन, नहीं साड़ी, साड़ी लेके आई है, मुठिया साड़ी, मुठिया साड़ी फेमस साड़ी है राजस्थान का, पिंक ही कलर में मिलता है भलो, लेकिन अच्छा लग रहा हो, मैं घर जा के दिखाऊँ। आज मैंने बहुत हालत खराब बोली हूँ, आज मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है गाड़ी से, दिन में तो क्या बताऊँ प्राण तकलीफ हो गया था यहाँ। तो तू ध्यान दूर पौन में लगाई होना है, हल्की होनी तो बड़ी, तो मैं इनकी रिप्लाई कर रही थी, अभी जस्ट व्हाट्सएप में मेरी दोस्त का मैसेज दिखाऊँ, मैं नहीं दिखा रही, सोशल मीडिया का स्टार तो बनी गई है, तो बाकी के बशक होने दे रहा। आज का रिएक्शन क्या है कमेंट वमेंट फिर आज के, लोग बोले बहुत ही अच्छा प्रैंक किया आपने जीजा जी के साथ, जीजा जी का पोपट बना दिया, वाह मस्त प्रैंक था दीदी, और बनाओ ना प्रैंक वीडियो काजल वर्मा, जल्दी से दे दो यार खुशखबरी, में भी इंतजार है।
यार फिर ऐसे प्रैंक मत क्या करो, हस्बैंड लोगों को बहुत से इमोशन जुड़े रहते हैं इस मोमेंट के साथ, वो तो हर किसी का जुड़ा रहता है ना, ये तो नॉर्मली प्रैंक है, वो तो मेरा भी जुड़ा रहेगा ऐसे इमोशन के साथ किसी का भी। दी आपके हस्बैंड बहुत ही ज्यादा केयरफुल है और आपके हस्बैंड बहुत हैप्पी हैप्पी। और एक ब्लॉग में आर्थिक मदद वाला ब्लॉग डाला था, उसमें लिखा है यस पूजा ने हमारे साथ ही बीएड किया है और ये न्यूज बिल्कुल सही है भाई। यार सब मैम की हेल्प कर दो, कितना अच्छा पति है एंड केयर करने वाला, जल्दी से गुड न्यूज दे दो अपने हस्बैंड को। आपकी एज कितनी है सोना जी? नाइस, प्रैंक सच लग रहा है, तो प्रैंक तो ये सच ही था। और एज कितनी होगी आप लोग गैस करके कमेंट में बताओ, मैं फिर बता दूंगी। बहुत अच्छा था दी, रियल लग रहा था, आपने जीजू को बताया थोड़ा बुरा लगा। तो यार आज की प्रैंक वीडियो मतलब उसमें कैसे कमेंट आए क्या है, मैंने तो देखी नहीं, अभी देखूंगा मैं भी ना। और यार आज की वीडियो में अच्छा प्यार दिया आपने, ऐसे प्यार बनाए रखे हैं आप और लाइफ भी अच्छा है आप। जिसकी जॉब लगी है वेलेंट रूट, जिसकी नहीं लगी है उसकी जल्दी से लग जाए, इतने बड़े लोग बन जाओ आप जिनके शहर नहीं गाँव में भी नहीं पूरे देश में चर्चे हो। तो आज के वीडियो में यार 1000 लाइक आ चुके हैं और व्यूज आ चुके हैं, 20,000 पहुंचने वाले, तो 1100 के आसपास लाइक है। तो प्लीज आप लोग प्लीज वीडियो को रोज ऐसे लाइक कर दिया करो, प्यार कर दिया करो। और जीजू के लिए एक प्रैंक वीडियो और सोच रखा है मैंने, अभी तो फिलहाल ये वीडियो बना रहे हैं, लेकिन बाद में करूंगी कभी ना, जब हम लोग भूल जाएंगे उस दिन याद दिलाने, तब प्रैंक वीडियो करूंगी। और बाकी तो सब मस्त मस्त है। और आज मेरे पेट में दर्द बहुत ज्यादा दर्द हुई, मतलब बहुत खतरनाक वाली दर्द हुई। सो मेरे पतिदेव जी दो शब्द बोलेंगे, आप बोलते हो ना जीजा जी बहुत केयर करते, तो कितने केयर करते हैं मुझे भी पता चलना चाहिए इनके शब्द बताएंगे कि उनको कैसा लगा करके। बट सीरियसली ना मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो मेरे कुछ दोस्तों को पता होगा। और कल ही मैंने प्रैंक किया था और आज मेरी डेट आ गई, मतलब दिन में, और पहन तो मैं ठीक थी, बाल में तो बाप रे खुखार वाले पेट में इतनी दर्द हुई ना खतरनाक वाली। मेरे पतिदेव जी बताएंगे रिएक्शन कैसा लगा करके, क्योंकि इन्होंने शायद आज ना मतलब दर्द जब ये घर आए थे, पहले भी हुआ ही था मुझे ऐसे डेट वगैरह में, लेकिन जितना आज हुआ ना इतना पहले कभी देखा था नहीं दर्द। कैसा लगा फिर सच्ची सच्ची बता। खाने की खीर भी निकाल दी तूने और प्रैंक रैंक सब निकाल दिया तूने मेरा आज की वीडियो में ना, वो तो हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाई, इतना बहुत पेन हो गया था। कैसा जो डर लगी, फिर डर लगी यार ठीक भैया थे जो कॉल आ गए थे। मसाज तो करी दिया, मसाज भी करूं कहां करूं, हाथ पांव तो पूरी दवाई दे दे, पेट में भी मसाज कर दे भाई, दोबारा मत करना ऐसे। अब मैं जो क्या दर्द हो गया मत करना दोबारा, टाइम बहुत डर लगे है तुम्हें के डर न लाग, खुश है रहा भले ठीक भी है तो और सुनाओ ना कैसे सोच रहा था ऐसा, ऐसे तो नहीं सोच रही थी, लेकिन ये मतलब मैं तो बाप रे बहुत खतरनाक वाला हो गया, मतलब अभी भी है लेकिन कम है, अभी जो दर्द है वो सहन करने वाला है, आगे तो असहनीय दर्द बोलते ना जिसे वो हुआ था, मैंने पहले हल्द्वानी में भी दिखाया था, फिर मेरा सही हो गया था और होने लग गया पेन ऐसे ही। टेंशन मैं तो सो गई थी, मतलब दवाई खाने के, और आज बताया दवाई भी असर नहीं करी, 3 प्रकार की दवाई खाई मैंने, दवाई भी असर नहीं करी। मैं फिर मुझे बाद में 1-2 घंटे बाद तो नींद आ गई थी, मेरे हस्बैंड तो सोए भी नहीं बेचारे, मुझे ही देखने में थे कि कैसा हो रखा है करके। चल ठीक होगी तू अब? अब मैं ठीक हूँ थोड़ा बहुत। चल फिर ये काम करते हैं, मुझे बचा बचा, चल उठ ना, मेरे पास ताकत नहीं है, ना बना तो अब चल, मेरे पास ताकत नहीं है, लगा दे रखा है हम लोग प्रोग्राम, ताकत नहीं है मेरे से, नहीं होगा काम, अब रेस्ट चाहिए 1 हफ्ते का। चल यार ठंडा मौसम थोड़ा ये चिपका देते हैं जो बचे। खाना क्या खाएगा आज? भूख नहीं है मेरे को अभी तो, 5 बजे बाहर खा रखा है। चल फिर काम चल फिर काम करते हैं, चावल खाएंगे। सो ये वाला वॉल लगा लेते हैं, फैन ऑन कर दिया, अब फैन ऑन कर लेते हैं, काम करते हैं गाइस स्पीड से, लेकिन ऐसा पेन कि कभी किसी को ना हो, सबको यार अपना केयर करना चाहिए, लड़कियों को लड़कों को भी, लेकिन लड़कों को डेट के टाइम पे। आज तो मेरी टाई टाई फिस बोलते वो ही हो गया था, मैं सच में बोल दूँ, और अभी मैं कमेंट के रिप्लाई भी कर रही हूँ।
सो गाइज अभी हम लोगों ने इतना लगा दिया है और थोड़ा सा नीचे बीच में बचेगा, इस वाल में एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है और तकदीर जी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, करना ही पड़ेगा हेल्प। मेरे तो पेट में भी दर्द हो गई है तो मैंने अभी अपने ससुर जी को कॉल किया था, उनको कॉल बैक आए, सो मैं उनको कॉल करती हूँ एक बार, फिर मिलती हूँ मैं गाइज आप लोगों से। सो अभी इतना हो गया आप लोग देख सकते हैं और मेरे तो पेट में भी दर्द हो रही है, तो पूरा ये मेरे पति ही कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं बस वो बनी हूँ, ऑडियंस बनी हूँ देखने वाली, मैं राय दे रही हूँ कि यहाँ से ऐसा करना वहाँ से ऐसा करना करके। सो इससे ज़्यादा आज मैं कुछ भी नहीं कर सकती और दूध भी सुबह से गर्म नहीं किया था, याद ही नहीं रही दूध की भी। सो मैंने अभी दूध गर्म कर दिया है, थोड़ा सा दही और थोड़ा दूध, और आज हम लोग खाने में चावल ही खा रहे हैं क्योंकि शाम को 5 बजे खाया हम लोगों ने और थोड़ा सा खाया मेरे हस्बैंड ने भी नहीं खाया। सो वो वैसा ही है और रोज़ रोज़ वेस्ट करना खाली सही नहीं लगता। सो अभी हम लोग चावल ही खाएंगे थोड़ी देर के बाद, और ब्लॉग भी आज कुछ बड़ा नहीं बन पाया क्योंकि मेरी हो रहा है पिट्टू में दर्द गाइस। मेरे पति देव जी का काम दिखाती हूँ मैं आप लोगों को पहले, मेहनती पति देव जी का ऐसी कटिंग डेंटिंग पेंटिंग चल रही है, पूरा परफेक्टली अच्छे से कर रहे हैं, तो ऐसे वाले काम ये बहुत अच्छे से करते हैं, मेरे से नहीं हो पाता ये क्राफ्ट वाला वर्क ज़्यादा नहीं कर पाती मैं, पता नहीं क्यों, मैं और चीज़ें कर लूँगी लेकिन क्राफ्ट तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो पाता है सच में। अब मैं थोड़ा ऐसे लेट जाती हूँ, किसी में ऐसे ही लेटी हूँ, मतलब मैं ऑडियंस बनी, मैं हुकुम आलो तो सैंड में ना, किसी ने कमेंट भी किया था जीजा जी को बोलना सैंडो में बैठो करके, लेकिन बहुत गर्मी हो रही है, पंखा भी ऑन नहीं कर रखा है क्योंकि इधर उधर उड़ जा रहा है। सो अब उनको भी बहुत गर्मी हो रही है तो यार तभी सैंडो नहीं लगाए, बट कोई बात नहीं चलता है। नंगा आए नंगा ही जाएंगे, क्या नंगा आए नंगा ही जाएंगे फिल्म डाले ना हमारा पेड़ में पेड़ होना। सो मेरे पेट में तो बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पति देव जी मेरे लिए गर्म पानी भी बना के लेके आए अभी, वो भी पी दिए मैंने। यहाँ पे ना लगाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना सच्चे में बोले, पहले भी ऐसा ही हुआ उस दिन भी और आज भी ऐसा ही हो रहा, पूरा हिसाब किताब करके लगाना पड़ रहा है इसके लिए। सो गाइस इस रूम में आ गया और पेट बहुत दर्द हो रहा है, जिसने मैंने आप लोगों को लाइव में बताया, अब खाना खा। सो ना डार्लिंग की पेट में दर्द हो रहा, डिनर करते हैं। अब ठीक हो गया ना? वो देख अभी कढ़ाई में डाल दीजिए पाव। तो यार मेरी हैबिट ना बहुत खराब हो रही है खाने के साथ भी कोक, अब रम हम पीने वाले हुए नहीं, फिर हम कोक ही पी के गुजारा करना हो रहा है। पीना चला आज पीना, रिएक्शन दिखाऊंगा एक दिन तेरे को दारू पी के, और जल्दी से वीडियो आएगी। तो डिनर विनर कर दिया है अभी, अब लेट गया मैं, बहुत थक गया हूँ आज, ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ नशा कर रखा है मैंने। कैसा चितारे भी तो अब डिनर करेंगे, किसके खा लिया था ना? खा लिया, बहुत खा लिया हुँ? खा लिया, पेट दर्द हो गया, क्या हुआ दिन के बराबर तो नहीं होती दर्द। सो गाइस पीरियड्स हो रखे मेरे और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, वैसे अभी तो कम हो गया, दिन में तो बहुत खतरनाक वाला हुआ, नागिन डांस वाला ही हुआ, मतलब मैं सोच रही थी कहाँ जो आ गई, मैं सोच रही थी ऐसा दर्द हल्वान में होता तो वहीं पे हॉस्पिटल था है अनंता करके कुछ नाम है, वहाँ पे दिखा लेती क्योंकि मैंने भी वहीं पे दिखाया था, मैंने सोचा मैं इतनी दूर अब वहाँ जाऊँगी हॉस्पिटल, और बाहर जाने के लिए भी यहाँ पास ही है। सो यार गर्ल्स को तो जोशी यार छोले तो बहुत टेस्टी बनाए थे, मतलब मेरा तो पेट फुल था लेकिन फिर भी मैंने मतलब खाली टेस्ट ना, फिर चार घास भात के खा दिए, फिर मतलब मैंने पूरा खाया, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, और कल शायद हम लोग भी बनाएंगे अगर अच्छा बनेगा तो आपको भी टेस्ट। मुझे लगा पहले आलू की सब्जी है, फिर नीचे देखा तो छोले, मुझे मैंने दाल लगा खुशबू, टेस्ट मतलब बहुत तगड़ा था, बाजार का भी नहीं होता है, मसाला कौन सा यूज करता है बता देना, धनिया और धनिया भी मिल रहा है इसको ऑफ सीजन, धनिया था या वो था मेथी थी, धनिया कॉम्प्लेक्स से लाए हुए उसमें मैंने सेलेक्ट ही किया भाई, मैंने कहा ये वाला फ्रेम अच्छा लग रहा है और ये वाले ग्लास इसमें अच्छे लग रहे हैं। अभी तक हम ये बात करते हैं हर किसी को मेरा चश्मा पसंद आ रहा है, सो पसंद मेरे हस्बैंड की है, थैंक यू, तो थैंक यू।
अब मेरे पाँव में दर्द हो रही है। आगे जब गाइज मेरे पाँव में दर्द हो उस टाइम पे तो ऐसे ऐसे मसाज कर दिया, लेकिन क्या फायदा दर्द में ही मसाज करने का। अगर जब अभी मैं थोड़ी ठीक हूँ मतलब हल्का दर्द हो रहा है तो अभी भी तो करना चाहिए ना। अभी मेरी शक्ल देख लो, मतलब ज्यादा होने के बाद पिछले छुट्टी में मतलब इतना बुखार आ गया था ना मुझे, मतलब 104.5-106 पता नहीं कहाँ पहुँच गया था, मतलब ऊपर ही था, मतलब 100 से ऊपर ही था मतलब। और मेरी हालत खराब, पूरे पसीने पसीने हो गए और ये मसाज करने में लगे रात में, उल्टी दे उल्टी पे दे उल्टी, किसी को पता नहीं चला। और ये भी आज थोड़ा दर्द में थी तो मैं भी थोड़ा हल्का सा मतलब इसका मसाज वसाज किया। और एक दिन ये गुस्सा भी हो रही थी, हाँ डेली गई थी उस टाइम पे, उस टाइम आई थी तब भी मेरी तो गुस्सा हो रही थी ये, और मैंने चुपके से पाँव पकड़ा एक मतलब और ऐसे ऐसे दबाने लग गया। थोड़ी देर में एक पाँव का जैसे हुआ फिर दूसरा पाँव भी पकड़ा लिया ऐसे करके पोल खोल दिया। मतलब उस टाइम पे भी मेरे पेट में होता है गर्ल्स का ऐसा होता है ना डेट में, मतलब मैं वैसे मेरा होता है तो बहुतों का होता होगा, पेट में दर्द होती है नीचे वाले पेट में दर्द, फिर मतलब हाथ पाँव में भी बहुत ज़्यादा दर्द है, ये थाई पूरे थक जाते हैं। मैं सोचती हूँ जैसे किसी और के बहुत खतरनाक पेन होता है। और कल मैंने प्रैंक किया, आज इतना अच्छा रिस्पांस मिला, दिन में तक ठीक थी, फिर ये पीरियड आपको बताइए कभी भी आ सकते हैं, कभी भी टपक सकते हैं। सो इतना पेन हो गया बापरी मैं बता नहीं सकती। और ऐसा दिल्ली में भी हुआ था मेरे साथ, लेकिन कमी हुआ था लेकिन इतना पेन नहीं हुआ जितना आज हुआ। तो उस दिन ये मसाज कर रहे थे ऐसे क्योंकि बहुत दर्द हो गया था तब भी, एक मैंने हमारी ऐसी बहस भी हुई थी, एक तो मेरे नोज में स्वेलिंग भी थी ना उस टाइम पे, तो मेरा मूड अनित्य खराब ही रहता था। एक पाँव में मसाज करके मेरे पाँव में अच्छा रिलैक्स जैसा मिला, मैंने इसे दूसरा पाँव भी दे दिया। लेकिन ऐसा ऐसा होना चाहिए, मतलब मेरे ख्याल से ना अगर मेरे हस्बैंड ने मेरे पाँव दबाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने भी उनके दबाए रखे हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते ना कि कैसी है ये अपने हस्बैंड से काम करवा रही मसाज कर रही है। पति पत्नी को हमेशा मिलजुल के अगर दुख सुख में जो काम नहीं आएंगे तो और वक्त काम आने का क्या फ़ायदा, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। और कितने दिन रात के एक एक दो दो बजे तक मैंने इनके हाथ पाँव में मसाज कर रखा है, उल्टी भी हुई, क्योंकि यार आजकल बुखार बहुत ज़्यादा नहीं आता तुझे घर आके, मतलब वायरल टाइप में चला था पिछली बार भी, उससे पिछली बार भी बहुत ज़्यादा तबीयत नहीं आई, और इतनी गर्मी में भी इनको कभी गर्म हो रहा था कभी ठंडा हो रहा था। तो यार होता ही है, दुख तकलीफ में साथ देना बहुत ज़रूरी है, और वक्त तो देखा जा सकता है। और थोड़ा सा मसाज कर देंगे मेरे पति देव जी तो अच्छा ही होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, चैनल पे जो न्यू है सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन का घंटा जरूर दबाना, लाइक शेयर आपकी मर्जी यार करोगे तो कर देना लाइक शेयर यार, अच्छा चल तेरे लिए कर ही देंगे तो आजकल वीडियो में अच्छा प्यार बरसा रहे हो, वैसे ही बरसाते रहना सोना का मसाज कर देगा।